कल होने वाले नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह से पूर्व पाकिस्तान ने 151 भारतीय मछुआरों को रिहा करने का फैसला किया। पाकिस्तान का यह कदम सद्भावना के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान के सद्भावना वाले कदम को देखते हुए श्रीलंका ने भी सभी भारतीय मछुआरों को रिहा करने का आदेश दिया है। कल श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे भी नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि उनका देश भारत के भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजदीकी रूप से काम करने को उत्सुक है। उन्होंने वादा किया कि रूस आर्थिक, सैन्य एवं तकनीकी सहयोग में द्विपक्षीय संबंधों को आगे ले जाने के लिए काम करेगा। सोमवार को नई एनडीए सरकार के सत्ता संभालने के लिए चल रही तैयारियों के बीच भाजपा के कई वरिष्ठ नेता नामित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी प्रमुख राजनाथ सिंह से मुलाकात कर रहे हैं। आज चंद्रबाबू नायडू ने गुजरात भवन जाकर नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पूर्व सेना प्रमुख और भाजपा सांसद वीके सिंह ने राजनाथ सिंह से उनके निवास स्थान पर मुलाकात की। गोरखा जन मुक्ति मोर्चा के प्रमुख बिमल गुरुंग दिल्ली स्थित आरएसएस के मुख्यालय पहुंचे। आतंकवादी संगठन बोको हराम ने नाइजीरिया के उत्तर में स्थित 3 गांवों पर हमला कर 28 लोगों की हत्या कर दी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार सभी हमले दूर दराज के इलाके में स्थित गाँव में हुए। यूक्रेन में आज राष्ट्रपति चुनाव है। यूक्रेन को गृह युद्ध के कगार पर ले जाने वाली महीनों की उथल पुथल के बाद देश के अस्तित्व के लिए यह चुनाव खासी अहमियत रखते हैं। ये चुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब देश के पूर्वी हिस्से में संघर्ष के दौरान हिंसा हुई है। उत्तरी यूनान और पश्चिमी तुर्की के निकट आए भूकंप के कारण तुर्की के एक द्वीप में 266 से भी अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। राजधानी इस्तांबुल और तुर्की के अन्य हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस करने के बाद लोग हड़बड़ी में घरों से बाहर निकल आए। बांग्ला साहित्य के स्तंभ और महान कवि काजी नजरुल इस्लाम की आज पुण्यतिथि है। 25 मई 1899 को बंगाल के आसनसोल में जन्मे नजरुल इस्लाम ने अपना समूचा जीवन लेखनी के सहारे दबे कुचले लोगों को तानाशाही और हर तरह के अत्याचार से बचाने के लिए समर्पित किया। आज जाने माने अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता सुनील दत्त की 9वीं पुण्यतिथि है। 6 जून 1929 को झेलम जिले के खुर्द गांव में जन्मे सुनील दत्त विभाजन के वक्त लाखों लोगों की तरह भारत आ गए और मुंबई को अपना घर बना लिया।